समाजवादी पार्टी का आज राष्ट्रीय सम्मेलन का जो राज्य सम्मेलन है उसका आगाज हुआ है। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद विजयम्बर निषाद जी हैं। सर, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, नई चुनौतियां हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या रणनीति बनी? समाजवादी पार्टी राज्य सम्मेलन में जो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव आए हैं उसमें सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर के 2024 के लिए संकल्प लेगी कि आने वाले 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी के बगैर केंद्र में कोई सरकार नहीं बनेगी और उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सांसद बनेंगे। ये संकल्प लेने के लिए आज ये यहाँ आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। राज्य सम्मेलन में जिस तरीके जिन प्रस्तावों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, चाहे दलित का हो, अल्पसंख्यक का मामला रहा हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो और गरीबों के उन्मूलन को लेकर के, उन मुद्दों को कैसे लागू करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब चाहे नौजवानों की समस्याएं हों, चाहे किसानों की हों, चाहे व्यापारियों के, हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव में जो एजेंडे में सारे बिंदु आ गए हैं, आने वाले समय में हम जो है केंद्र में हमारी सरकार बनती है उन सारे मुद्दों को लागू करने का काम करेंगे जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आएंगे। सरकार का जिस तरीके से माहौल बना हुआ है आप लोगों को रोकने के लिए, उसके लिए क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से फासिस्टवादी ताकतें हैं और हिटलर शाही शासन चल रहा है। जिस तरह पूरे देश में चाहे गोवा की सरकार तोड़ा, चाहे मध्य प्रदेश सरकार तोड़ा, चाहे पूरे देश में चाहे आपकी महाराष्ट्र की सरकार तोड़ा, हर जगह तोड़ करके बनाने काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो है लोगों को जात जात को तोड़ने का काम कर रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी अपराधी लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम करें। और गुजरात के दो लोग जो है देश को बेचने का काम है और दो लोग गुजराती खरीदने का काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए थी जो है राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विजयम्बर निषाद जी का साफ स्वीकरण है, गुजराती दो लोग जो है देश को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ये समाजवादी संघर्ष का रास्ता हर दम अपनाते हैं। कैमरा आशीष के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।